माय डियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपने नीट 2021 का प्रिपरेशन बहुत एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। और अगर आप लोग नीट 2021 के प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे हो, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम मास्टर प्लान कि लास्ट 4 मंथ जो है वो हमें कैसे पढ़ना है। 1 जनवरी से लेकर आपको जो है वो 1 मई तक का क्या प्लान होगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने केमिस्ट्री के बारे में आपको इस वीडियो में बता रखा है, जिसके थ्रू आप चाहें तो 180 में 180 स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें जो है वो कन्फ्यूज कर रही होंगी। सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में चलता है दोस्त, वो चलता है कि सर नोट्स पढ़ें या बुक पढ़ना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, एक बिग कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कहीं कोचिंग लिया हुआ है तो कोचिंग के नोट्स के साथ साथ आपको पढ़ना क्या है। इन जनरल जो आप एक कॉमन बुक अगर नीट को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत कॉमन एक बुक फॉलो करते हो, वो है NCERT, जिसको मैं बोलता हूं कि ये ग्रंथ है, कुरान है, नीट के लिए सब कुछ है, ऑल इन ऑल है। अब आपको लगता है कि सर उसके सपोर्ट में मुझे एक बुक की जरूरत है, तो मैं अभी जो बहुत दिनों से देख रहा हूं, बहुत सारे बुक को देख रहा हूं, उसमें मैंने एक बुक को सर्च किया है आजकल, उस बुक में मुझे जो कंटेंट दिखा मैं सोचा आपसे जरूर शेयर करूं। ये एक बुक हमारे पास अभी आई हुई है, ये शायद ओसवाल की है, ओसवाल बुक है ये, और ये टॉपर्स हैंडबुक केमिस्ट्री, आप जैसा आप देख पा रहे हो ये टॉपर्स हैंडबुक है इनका, ओसवाल बुक का। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलेगा कि इन्होंने एक तो माइंड मैप बना रखा है इसके अंदर, और माइंड मैप के साथ साथ चैप्टर की थ्योरी को जो है वो इस तरह से सॉर्ट किया हुआ है कि आप बहुत कम टाइम में जो है वो पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, बहुत कम टाइम में। हर एक चैप्टर को अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपके लिमिटेड थ्योरी हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत इस बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो NCERT के साथ आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा जैसा आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके साथ जरूरी है कि टॉपिक वाइज जैसे आपको एक टॉपिक आप पढ़ लिए, अब उस टॉपिक के बाद उसके जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करोगे, कम से कम आपके पास 20 से 25 साल के क्वेश्चन यहाँ होने चाहिए। बट एक हमारे पास और इसी में सवाल बुक में एक और बुक हमारे पास दिख रही है, ये 33 ईयर नीट का सॉल्व पेपर है, वो भी एकदम टॉपिक वाइज है। तो आप चाहें तो एकदम चैप्टर वाइज अपने नीट के क्वेश्चन को इससे भी कवर कर सकते हो। तो एक तो कन्फ्यूजन आपका, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो कि फिनिश हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब इनकी जो सीरीज है वो बहुत हेल्पफुल है, आप फिजिक्स में भी ले सकते हो, ऐसा मैथ में भी ले सकते हो, इस तरह के इनके जो सीरीज आए हुए हैं, जो बायो में सीरीज आए हुए हैं नीट के लिए वो ले सकते हो, और जेई के बच्चे अगर आप हो तो मैथ को फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, एक तो नोट्स और बुक को लेकर बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो अगर आप इन दोनों को लेकर बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि घबराना नहीं है। सबसे पहले जिस कोचिंग में आप अगर पढ़े हुए हैं और उसका नोट्स है, तो नोट्स को आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड में मैंने आपको बता दिया कि एज अ बुक जो है वो आप चाहें तो एक NCERT को तो बिल्कुल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो आगे टाइम टेबल में सब कुछ मेंशन है, और साथ ही साथ ये ओसवाल बुक जो मैंने बोला आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगा, और कम टाइम में आपको बेस्ट रिविजन का किट ये प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास बहुत सारी चीजों को पढ़ने के लिए, तो आपको लिमिटेड चीजें आप पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात जो दिमाग में चैलेंज आ रहा है कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सर अब हमारे पास जो समय बचा हुआ है दोस्त, आपको भी पता है कि हमारे पास टोटल समय कितना बचा हुआ है, टोटल समय जो हमारे पास अब तक बचा हुआ है वो आप देख रहे होंगे कि 4.5 मंथ का समय यहाँ से बचेगा, और उसके बाद जो लास्ट 15 डेज आप उसको काउंट मत करो, क्योंकि उस बीच में कभी भी एग्जाम की डेट की घोषणा हो सकती है। तो सबसे पहला बात क्या है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्या इसका प्लान होना चाहिए, इस पे भी मैंने आपको एक एक चीज़ें डिस्कस किया हुआ है आगे वीडियो के अंदर, आपको एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना है। और एक जो टाइम टेबल जो शेड्यूल बना के दे रहा हूँ कि कितने दिन में कौन सा सेक्शन आपका केमिस्ट्री का खत्म होगा, कितने दिन में 11th का फिजिकल होगा, कितने दिन में 12th का फिजिकल होगा, कितने दिन में 11th की ऑर्गेनिक, कितने दिन में 12th की ऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में बता रखा हूँ। अब आपको बता दूँ NCERT को लेके भी एक प्रॉब्लम है, और दूसरा रिवीजन। पहले रिवीजन की बात हम लोग कर लें, जैसा आपको पता है कि रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होगी इस पे भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस तरह से आप रिवीजन प्लान करोगे, कि ऐसा ना हो कि हम पूरा सिलेबस एक बार पहले पढ़ेंगे सर उसके बाद रिवीजन करेंगे, ये बेवकूफ वाली बातें हैं यार, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
आपको रिवीजन साथ साथ करना पड़ेगा, जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है वैसे उसी में रिवीजन का स्लॉट बनाना होगा, और ये स्लॉट मैंने इसमें बना के दिया हुआ है। अब आपके पास आता है एनसीईआरटी बुक, कि सर एनसीईआरटी बुक में तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जैक्टली नीट के एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। मैंने तभी आपको ये बात बताई कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में नहीं आता है तो आपको करना क्या है। एनसीईआरटी अगर नहीं करना चाहते हो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए हुए हैं, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो अभी ओसवाल बुक आपको बता रहा था उसमें क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा, आप बिल्कुल आराम से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो इस मास्टर प्लान के अंदर जो सबसे पहला बात जिक्र करने जा रहा हूँ, मैंने इसको पूरे जो है टोटल के टोटल सिलेबस को जो है वो छः पार्ट में डिवाइड किया गया है। छः पार्ट में डिवाइड कर रखा हूँ, एक फिजिकल एलेवंथ का, एक फिजिकल ट्वेल्थ का, इनऑर्गेनिक एलेवंथ का, इनऑर्गेनिक ट्वेल्थ का, ऑर्गेनिक एलेवंथ का और ऑर्गेनिक ट्वेल्थ का। तो मैंने एक साथ इस तरह का एक सिलेबस स्प्लिटअप किया हुआ है जिसमें आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, हर चीज़ कवर हो और कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो आपको सबसे पहला बात एक बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आप फिजिकल एलेवंथ देख रहे हो तो फिजिकल एलेवंथ को कंप्लीट करने में आपको डे देना है 17 डेज। कितना बोल रहा हूँ? 17, ठीक है ना, जिसमें मैंने दो पार्ट में इसको स्प्लिट किया हुआ है, 1 to 14 जैन तक, मतलब 14 डे तक। पहला 14 डे जो होगा तब तक आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, अपना नोट्स पढ़ जाना है पूरी तरह से, जो आपका कोचिंग का बुकलेट वगैरह होगा ये सब सॉल्व कर जाना है पूरी तरफ से, ये सब पूरी तरह से आपको सॉल्व करना है। और इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी अपने देखने हैं, जो वीडियो लेक्चर्स मेरे आ रहे हैं कौन बनेगा MBBS का, या जो चैप्टर आपके वीक है वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको क्या करना है, अगर आपका कोचिंग चल रहा है इस टाइम, आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, आपका कोचिंग अगर जारी है तो इस टाइम में अपने 6-6 घंटे का कोचिंग भी लेते चले गए और अपने नोट्स को पढ़े, कोचिंग के बुकलेट को सॉल्व किए। अब आपको क्या करना है, ये 15, 16 और 17 जैन को आपको क्या करना है, ये जो आपका फिजिकल था 11th का उसमें एनसीईआरटी को आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हो, और एनसीईआरटी रीड करने के साथ उसके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के, वो एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इस बीच में 3 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तो ये 3 दिन मैंने रिजर्व रखा हुआ है हर एक सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद, ताकि उस बीच में आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ के, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वगैरह को सॉल्व करके, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वगैरह भी चाहें तो आप डेप्थ तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सॉल्व करें, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लें, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक 11th की तरफ। अगर आप 11th की इनऑर्गेनिक की बात करते हो तो यहाँ 12 डेज का आपके पास जो है वो टाइम देना है आपको, और 12 डेज कब से देना है, 19 से लेकर 31 जैन, मतलब 19 to 31 जैन तक आपको देना है। अब यहाँ देखो, आपका फिजिकल 17 को 11th का ख़त्म हुआ, इसके बाद 18 जैन को मैंने रेस्ट लिखा हुआ है, मतलब आप अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि अगला फिर से आपके पास 12 दिन नॉन स्टॉप स्टडी होनी है, तो भाई दिमाग को भी तो शांति दोगे यार, दिमाग फट नहीं जाएगा क्या? तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करके चलना है जिसमें आपको एकदम आराम से सब चीज़ स्मूथली चले। तो आपको क्या करना है, 12 दिन जो है वो इनऑर्गेनिक पढ़ना है 11th का, और उसके बाद आपको जो है वो 19 से कहाँ से कब तक बोल रहा हूँ, 19 से 31 जैन तक आपको जो है इसको कंप्लीट कर जाना है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या करना है ये बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने कर गया कंप्लीट किया, अब इसमें 3 डेज आपके पास एडिशनल आएगा, वो क्या आएगा, 1, 2, 3 फेब आएगा बेटा। अब अगर आप 1, 2, 3 फेब को देखोगे तो 1, 2, 3 फेब में आपको क्या करना है, मैं ये चीज़ें आपको डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो आपको फिर से एनसीईआरटी की रीडिंग करना है, किसका, 11th क्लास के इनऑर्गेनिक का, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्व करने हैं, और जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वगैरह में, उसे आप यूज कर सकते हो, समझ गए ना, या फिंगर टिप्स MTG वगैरह का आता है उसमें एनसीईआरटी के काफ़ी क्वेश्चन से जो लाइन बाय लाइन बने हुए हैं आप उसका भी यूज वहाँ पर कर सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक में जो है वो आपको कंप्लीट करने के बाद 31 जैन तक आपको 3 दिन जो है वो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन उठा के क्वेश्चन बनाता है, उसका एक एक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनता है, तो आपको हर एक चीजें वहां पे रीड करनी है। अब इसके बाद यहां पे रीड करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत यहां पे कर गए आप, इससे आपका एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगा और आप अपने डेप्थ को चेक कर सकते हो कि मेरी तैयारी एग्जैक्टली किस लेवल पे आया हुआ है। अब आ जाओ, अब आते हैं 12th की फिजिकल की तरफ। अगर 12th का फिजिकल देखें
तो हम लोग 5 से लेकर 18 मतलब ये 13 डेज, फर्स्ट 13 डेज जो है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, फिजिकल स्टार्ट करने से पहले 3 फेब के बाद 4th फेब फिर से मैंने आपको एक रेस्ट डे दिया है। मैंने आपको बोला कि हर एक 15 दिन या 17 दिन का जो गैप बन रहा है उसमें आपको एक दिन रेस्ट डे जरूर बनाना है, जिस दिन आपको किताब बिल्कुल नहीं छूना है, आपको किताब से बिल्कुल दूर रहना है और अपने जितने भी बाहर के काम आपको लगता है दिमाग में मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, दोस्तों से बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो सारे काम निपटा डालो यार, सारे काम निपटा डालो। इससे आप मेंटली प्रेशराइज नहीं होगे और पढ़ाई का एकदम इंजॉयमेंट लोगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो आ गया है फरवरी यहाँ पे, अब यहाँ से 13 डेज आपको फिजिकल के 11th में लगाना है, फर्स्ट 13 डेज मतलब 5 फेब से 18 फेब तक आपको फिजिकल 12th का यहाँ पे कंप्लीट करना है। और जैसे आपका 12th का फिजिकल कंप्लीट होता है फिर से यहाँ पे लेंगे 3 डेज एडिशनल। अब ये जो 3 डेज सप्लीमेंट दिया हुआ आप समझ गए होंगे क्यों दिया हूँ, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि जब आप 19, 20 या 21st फेब पे जाएं तो आप फिर से 12th क्लास के फिजिकल जो है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके थ्योरी, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है। और अगर इस क्वेश्चन को आप चाहो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पकड़ लें। अब आप देखो यहाँ पे फिर से आपको एक दिन प्रीवियस ईयर वगैरह भी करना है और साथ ही साथ अब आपको एक यहाँ पे जो गैप है जो हर एक यहाँ लास्ट में 3 दिन बन रहा है इसमें आपको एक टेस्ट देने की आदत डालनी है, ठीक है ना। या एक स्लॉट आप ऐसा तैयार कर सकते हो इसमें थोड़ा ऑफ चेंज करके कि संडे जो आपको आएगा संडे को आपको 3 घंटे एक टेस्ट के लिए बैठना ही बैठना है, ईच एंड एवरी संडे आप एक मॉक टेस्ट दो ही दो, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे आके हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये 21st फेब को आपका कंप्लीट हो गया फिजिकल। अब फिर से आपको क्या करना है, 22 फेब को आपको अपने रेस्ट अवस्था में चला जाना है, बिल्कुल अपने रेस्ट अवस्था में चला जाना है, जहां से नो दुनियादारी, नो किताब, किसी तरह से नो नीट, कुछ भी हम नहीं जानते ये सब चीज़ें, मतलब एक दिन अपने माइंड को आपको ओपन करना है। आपके पास अब तक 3 दिन ऐसे आए हैं जो बिल्कुल आप नहीं पढ़ोगे, अब कुछ और डे ऐसे आएंगे, 3 स्लॉट और बनेंगे, मतलब 6 दिन अभी से आपके पास ऐसे होंगे जब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है और बाकी के दिन आपको जी जान से एकदम गधों की तरह लग जाना है, एकदम डूब जाना है किताब में, हाँ बिल्कुल एकदम डूब जाना है, तब तक जब तक नीट क्वालिफाइड ना कर लो आप। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्गेनिक 11th का है, इसे आपको देना है टोटल 90 डेज देना है, 90 डेज आपको 23 फेब से लेकर 12 मार्च तक आपको देना है और उसके बाद 13, 14, 15 3 दिन जो है वो फिर से आपके एनसीईआरटी को रीडिंग के लिए टाइम मिलेगा और साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने का टाइम मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला कि संडे को एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं उसका, साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक वगैरह जो है इसमें आपको थ्योरी भी अगर एनसीईआरटी का पढ़ना है तो इसके सॉल्व एग्जांपल भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर जाने हैं और इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद यहाँ 15 मार्च के बाद 16 मार्च फिर से आपका आ जाता है रेस्ट डे, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, एकदम आराम से उसको वैसे रहने देना है और आपको क्या करना है फिर ऑर्गेनिक क्लास 12th को पकड़ना है। 12th की ऑर्गेनिक जो है वो 17 डेज पे आपको ख़त्म करना है क्योंकि थोड़ा सेक्शन बड़ा है, आपको पता है बड़े बड़े चैप्टर हैं, एल्डिहाइड कीटोन है, अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, अमीन, सब थोड़ा सा अलग टाइप के चैप्टर हैं और उतने ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा कर रखा है तो हाइड्रोकार्बन के अंदर बहुत सारे रिएक्शन है जो कॉमन आ जाएंगे आगे, तो आपको पढ़ने में ईजी होगा। आपने एक चीज़ देखा होगा जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसमें ऑर्गेनिक 11th के बाद तुरंत 12th की ऑर्गेनिक दिया है क्योंकि ऑर्गेनिक इंटरलिंक 11th 12th का अगर आप साथ साथ पढ़ते चले जाएं तो शायद मेरे हिसाब से आपको पढ़ने में समय कम लगेगा और कॉन्सेप्ट को आप इजीली कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को कोरिलेट नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को कोरिलेट नहीं कर पाओगे, मेरे से आप लिख के ले लो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट सारे नहीं कर पाओगे। अब यहां से क्या करना है आपको 17 डेज लगाना है, 17 मार्च से 4 अप्रैल तक चले और फिर 5, 6, 7 अप्रैल को फिर से वही बात एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और थ्योरी, बहुत अच्छा से 12th का एनसीईआरटी ऑर्गेनिक का लिखा हुआ है इसलिए आपको थ्योरी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसका आप सॉल्व करना, आपको मजा आ जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ ना आपको मजा आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है नीट में अगर आप देखोगे ना तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर खास करके एनसीईआरटी को ही मैक्सिमम 99% फॉलो करता है, ठीक है ना। फिजिकल में अगर 90% फॉलो करता है तो
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को 99% फॉलो करता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है और इससे बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। साथ ही साथ मैंने फिर से बोला आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको 8 अप्रैल जो है एक रेस्ट डे रखना है, जिस दिन नो स्टडी, ये आपका आखिरी रेस्ट डे होगा, क्योंकि 9 अप्रैल से जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक नीट का एग्जाम हम दे के ना जाएं, एकदम नॉन स्टॉप स्टडी करना है। वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो इसलिए लास्ट में आप जितना जोश दिखाओगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप रिफ्रेश नहीं होना है। अब तो हम रिफ्रेश क्यों होंगे, अब तो इस तरह से हम बनेंगे कि भैया जब एग्जाम हो जाए उसके बाद ही रेस्ट लेंगे। हाँ, एकदम दिमाग में इसके बाद स्लोगन लिख लेना आपको, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लो कि यहां से हमें बेस्ट की तरफ अब चलना है, क्योंकि ये आखिरी टाइम, दिमाग बहुत तेज होता है यार, बहुत तेजी से काम करता है दिमाग, आप ना चाह के भी बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो। अब आता है इनऑर्गेनिक 12th की बारी, इसको आपको देना है इनऑर्गेनिक को 18 डेज। यहां भी बता दूं, खास करके पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब एक ऐसे सेक्शन है, और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा ये दो सेक्शन खास करके, इसमें आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड कर जाना है, क्योंकि जो 12th का इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी है, पी ब्लॉक वगैरह, डी ब्लॉक, इनके क्वेश्चन एज यूजुअल उठ के वहाँ पे डायरेक्ट दिखाई देते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे किसी भी हालात में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 18 दिन लगाना आपको, 9 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पढ़ेंगे आप यहाँ, जिसमें लास्ट के 3 डेज जो आपका यहाँ पे बनेगा, लास्ट के 3 डेज 25, 26, 27 को, उसमें आपको इसके एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ जाना है। साथ ही साथ आपको मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी की लाइन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तो बाकी का जो बीच का स्लॉट है क्या करना है, एक तो आपके जो कोचिंग्स वगैरह चल रहे हैं उनका मटेरियल आपको स्टडी करना है, अपने नोट्स को पढ़ना है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है तो उसको आपको पढ़ना है, और अगर आपने उसको नहीं तैयार किया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ओसवाल की बुक है इसमें एग्जैक्टली मैंने बता दिया आपको कि इसमें शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस बुक को पकड़ें और इसके शॉर्ट नोट्स को देखें कि किस तरह से इसने शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है, या इस बुक को परचेज करके आप इससे आराम से पढ़ सकते हो, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है, क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। अभी मैं बहुत सारे देख रहा हूं टीचरों का रिकमेंडेशन कि इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा बुक बाजार में आया है, तो इस तरह का अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो आपको टाइम सेव कर देगा, ठीक है ना। अब देखो यहां तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, आ गया। अब अपने पास क्या है, 28 से लेकर 6 मई तक की बात करता हूँ, 28 अप्रैल टू 6 मई, मतलब टोटल ये हमारे पास 3, 3, 6 और 3, 9 डेज। तो यहाँ पे मैंने 3+3+3 का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। 27 अप्रैल को हमने जो है अपने स्टडी प्लान का एक हिस्सा कंप्लीट कर दिया। अब जब ये कंप्लीट हो गया बेटा, तो आपको पता है कि रिविजन किससे होता है, सिलेक्शन किससे होता है आपका, रिवीजन से, मतलब लास्ट टाइम रिवीजन जितना दिमाग में घुसेगा, जितना बार आप टॉपिक को रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी, और उससे आपका एग्जाम में एक्यूरेसी बढ़ेगा, और साथ ही साथ स्पीड भी बनता है। जब आपको चीज़ें बहुत तेजी से आती है तो आप बहुत स्पीडली अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को। तो आपको रिवीजन करने से पहले क्या करना है, आप मान के चलिए कि 28, 29, 30 और इधर 3 और इधर 3, ये 3, 3, 3 का जो हमने दिया हुआ फॉर्मूला, मतलब आपको दूर करना है अपनी कमी, लिख दिया दूर करो अपनी कमी, मतलब इस बीच में जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे फिजिक्स में जो हमारे पास ये टॉपिक मुझे बहुत टफ लगता है, या ये मेरा वीक टॉपिक है, इस पर ये 3 दिन वर्क करना है, ऐसे बायो में 3 दिन देना, केमिस्ट्री में 3 दिन देना है, तीनों सब्जेक्ट में जो आपके वीक पॉइंट हैं उसको 27 अप्रैल को ख़त्म करके 28 को सुबह अपना उठते ही अपना साथ साथ तैयार करते चले जाओ। जब शुरू से पढ़ रहे हो ना तो तैयार करते जाओ, इस चैप्टर में मुझे टफ क्या लगता है, और वो टफ पॉइंट जो आपने जो छोटी सी डायरी बनाई है उस डायरी को निकालिए और उस टफ सेक्शन को आप इन 3-3 दिनों में तैयार कर लीजिए। अब जैसे आपका 6 मई हो जाता है, और मैंने आपको बता दिया कि दिमाग में एक स्ट्रेटजी क्या लेना है, हर एक संडे एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है अभी से लेकर नीट तक। अब यहां से जैसे आप आ जाते हैं 6 मई तक, तो उम्मीद है कि मई के एंड तक इस बार पेपर होगा, उससे पहले संभावना नहीं दिख रही है, तो आपको उस बीच में अपने जितने भी चीज़ें थी उसको आप रिवाइज करना शुरू कर देना है। अब आप कैसे रिवाइज करोगे, उसके लिए आपको रैंडम प्रैक्टिस चाहिए टोटल चैप्टर के, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हो, तो मैं आपको 2500 क्वेश्चन का बहुत बेस्ट कलेक्शन अपने चंद्रहास सर ऐप पर दूंगा। आप मेरा ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखना, उस ऐप पर आपको 2500 क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जो कि मिक्स मसाला होगा आपके डेप्थ को चेक करने के लिए, आप आराम से उसके क्वेश्चंस को करना,
और फिर देखना आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन उसके अंदर होगा, मतलब मैंने कोई चीज मिसिंग उसमें नहीं किया हुआ है, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। तो 2500 क्वेश्चन के बेस्ट कलेक्शन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे आपको रिवाइज करना है और उस क्वेश्चन को करते जाना है, थ्योरी को फटाफट जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा रिवाइज करना है और उसको करते जाना है। उस टाइम आपको फिर से एनसीईआरटी नहीं करना है, क्योंकि आपने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के उसका नोट्स आपने तैयार कर लिया, जो भी फ्रेमवर्क था तैयार कर लिया आपने, जिस तरह का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना था सब कुछ ओवरऑल आप साथ साथ यहां तैयार करते चले गए हो। अब आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे जाना है और क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से अगर आप पूरी स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे दोस्त कि आप इस साल नीट में 100% 2021 में सक्सेस हो जाओगे, आपका डॉक्टर बनना तय हो जाएगा। तो मैं आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर पे मेरी बात को फॉलो करके एक अच्छे प्रिपरेशन होल्डर बनके 2021 के बेस्ट एस्पायरेंट्स में होंगे। तो मेरी तरफ से गुड लक, और आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, मैं आपको ऐसे वीडियो बना के देता रहूंगा।